दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि पोस्टमार्टम क्यों और कैसे किया जाता है, या फिर क्या हर मरने वाले इंसान का पोस्टमार्टम जरूरी होता है। दोस्तों फिल्मों से लेकर अखबारों तक और न्यूज चैनल्स तक में आपने पोस्टमार्टम शब्द कई बार सुना होगा। ये वो साइड इफेक्ट तरीका है जिसे ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर जिसकी मौत हुई है उसके मरने की असली वजह क्या थी। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों पोस्टमार्टम मरने के बाद की जाने वाली एक सर्जरी है जहां पर कई तरह की बातें सामने आती है। इसमें सबसे पहले चीज ये है कि पोस्टमार्टम अपने मन से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए मरे हुए इंसान के घर वालों की इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि जहां मरने वाला व्यक्ति अनजान है और उसका कोई भी जानने पहचानने वाला सामने नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में बिना घर वालों के परमिशन के ही पुलिस पोस्टमार्टम करवा देती है ताकि मृतक के मौत का कारण पता लगाया जा सके, या फिर अगर मरने वाला व्यक्ति संदिग्ध है तभी पुलिस की राय लेकर पोस्टमार्टम किया जा सकता है। अब दोस्तों एक बात क्लियर कर दे, किसी की नॉर्मल डेथ होने पर अक्सर परिवार वाले उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मौत किस वजह से हुई है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कई दिनों से कैंसर से पीड़ित है और घर पर इसका इलाज चल रहा है, लेकिन वो इलाज के दौरान मर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभी को पता है कि मरने वाला व्यक्ति कैंसर से मरा है। जबकि मौत संदिग्ध हालातों में या फिर ये लगे कि ये सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब मरने वाले व्यक्ति के मौत का कारण जानना हो तब शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है और कई एक्सीडेंटल केस में भी ये जरूरी होता है। चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि पोस्टमार्टम किस सिचुएशन में किया जाता है, अब बात करते हैं कि ये कैसे होता है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम करने में कई तरह की मुश्किलें सामने आती है, जैसे कि ये जरूरी नहीं कि हर बार बॉडी आपको ठीक कंडीशन में ही मिले। कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम करना है उसकी मौत किसी भयानक एक्सीडेंट से हुई हो, जिसके चलते बॉडी को ढंग से एनालाइज करना मुश्किल है क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए हो सकते हैं। वहीं अगर बॉडी को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ये समझ ना आए कि मौत का कारण क्या था, तो इसे अनडिटरमाइंडेड घोषित कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम ज्यादातर मौत के 2 से 3 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और उस पर ऑपरेट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है। पोस्टमार्टम के लिए कोई भी शरीर जब आता है तो सबसे पहले उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जिस हालत में शरीर आया है उसी हालत में शरीर की तस्वीरें खींची जाती है ताकि बाद में शुरुआती का रिकॉर्ड रखा जा सके। इसी के साथ ही शरीर पर बने टैटू और मास्क को भी रिपोर्ट में लिखा जाता है, जिसके बाद ब्लड और नाखूनों के सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें आगे जांच के लिए भेज दिया जाता है। ब्लड के साथ ही आंखों के लिक्विड को भी जांच के लिए भेजा जाता है। इन दोनों ही चीजों से आपके शरीर में अल्कोहल लेवल और ड्रग्स होने का पता चलता है, जिसे जांच थोड़ी आसान हो जाती है। इसी के साथ ही फिंगरप्रिंट को भी अलग से रिकॉर्ड करके रखा जाता है। वहीं अगर बॉडी ज्यादा डिकम्पोज हो गई हो और फिंगरप्रिंट लेना मुश्किल हो रहा हो तो एक डॉक्टर उसके हाथ की स्किन को इस तरह से निकाल देता है कि वो एक ग्लव की तरह पहनी जा सके, जिसके बाद वो उसे पहनकर फिंगरप्रिंट ले लेता है। आपको ये तरीका अटपटा लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी ट्रेंड प्रोफेशनल है जो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में इन सभी चीजों के साथ साथ बालों का भी सैंपल लिया जाता है और आखिर में एक एक्सरे होता है। इस एक्सरे से भी काफी चीजें पता चलती है, जैसे कि अगर किसी को गोली लगी थी तो गन पाउडर सबसे ज्यादा इकट्ठा कहाँ हुआ, और अगर कोई हड्डी टूटी है तो उस पर जो कट है वो क्या किसी हथियार से किया गया है या फिर नेचुरल है। इसी के बाद मृतक के शरीर से उसके कपड़े निकाल कर इसे पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता है और उसकी पीठ के नीचे एक रबर या फिर वुडन ब्लॉक लगाकर उसके शरीर को छाती से ऊपर उठाया जाता है। अब अगर वो किसी मर्द का शरीर हो तो इस पर वाई शेप का कट लगता है और औरत के लिए यू शेप। ये कट आपके कंधे से शुरू होकर प्यूबिक बोन तक जाता है, जिसके बाद डॉक्टर ऊपर की स्किन और बाकी के लेयर्स को निकालकर इस हिस्सों को पूरी तरह से खोल देते हैं। इसके बाद शरीर के अंदर ही लैरिक्स, फूड पाइप और हार्ट बीट को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर शरीर के हार्ट और लंग्स जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट तक पहुँचते हैं। फिर धीरे धीरे करके दिल, स्मोक इंटेस्टाइन, पेट और सभी जरूरी ऑर्गन्स को कट लगाकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
बता दें कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हाथों और पैरों को तब तक खोल कर नहीं देखा जाता जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। निकाले गए पार्ट्स को अच्छे से वजन किया जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां इस तरह की होती है जिसे ऐसे हिस्से का वजन कम या फिर ज्यादा हो सकता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट में खाने की मात्रा चेक की जाती है। इसी से ही ज्यादातर डॉक्टर्स अंदाजा लगाते हैं कि आदमी की मौत कब हुई होगी। इसके बाद बाकी के निकाले गए पार्ट के टिश्यू के सैंपल को भी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब बारी आती है दिमाग की। दिमाग को भी शरीर से सिर्फ अलग तब किया जाता है जब ये बहुत ज्यादा जरूरी हो। ऐसा होने पर रबर ब्लॉक को पीठ से हटाकर एक तकिए की तरह सर के नीचे रख दिया जाता है और शरीर के एक कान से दूसरे कान तक माथे पर एक बड़ा सा कट लगाया जाता है जिससे ऊपर की स्किन उतर जाए। स्किन उतरने के बाद स्कल को खोला जाता है और ऐसा करने पर एक पॉप साउंड सुनाई देती है। स्कल को अलग करने के बाद सबसे पहले दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से अलग करके निकाल दिया जाता है। इसके बाद ब्रेन टिश्यूज की जांच की जाती है ताकि अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के संकेतों को देखा जा सके। शरीर के बाकी पार्ट्स को भी डॉक्टर चाहे तो टॉक्सिकोलॉजी और क्रोमेटोग्राफी के लिए आगे भेज सकते हैं, लेकिन ये सब ज्यादातर तब किया जाता है जब डॉक्टर्स को शक हो कि इंसान को जहर देकर मारा गया है। इस तरह के टेस्ट पूरे होने के बाद शरीर के निकाले गए बाकी अंगों के साथ क्या करना है ये डॉक्टर पर निर्भर करता है। ज्यादातर केसेस में सभी अंगों को वापस उनकी जगह पर रखकर बॉडी को स्टिचेस की मदद से वापस बंद कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स पूरे अंग या फिर कम से कम उसके कुछ हिस्से या फिर टिश्यूज को स्टोर करके रख देते हैं और ऐसा तब किया जाता है जब मौत के पीछे का कारण स्पष्ट ना हो पाया हो या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो ताकि इन पार्ट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इन पार्ट्स को स्टोर करते हुए खराब होने से बचाने के लिए फॉर्मलिन नाम के एक स्पेशल प्रिजर्वेटिव में डुबाकर रखा जाता है। दोस्तों यूं तो पोस्टमार्टम मौत की वजह जानने के लिए मेडिकल साइंस का एक बेहतरीन ड्यूल है, लेकिन हाल ही की कुछ सालों में देखा गया है कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में ज्यादा से ज्यादा लोग अब शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने देते, जिसके मुख्य रूप से दो कारण है। पहला कारण बहुत ही सिंपल है कि कभी कभी परिवार वाले नहीं चाहते कि उनके परिजन के मृत शरीर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए। साथ ही पोस्टमार्टम की वजह से होने वाले अंतिम संस्कार में भी देर होती है। वहीं अगर किसी को कोर्ट ने किसी शरीर के लिए पोस्टमार्टम का ऑर्डर नहीं दिया हो तो परिवार के लोग ऐसी घड़ी में ये डिले पोस्टमार्टम का अलग से खर्चा नहीं चाहते, जिस कारण पोस्टमार्टम दुनिया भर में अब कम पॉपुलर होता जा रहा है। इसकी दूसरी वजह यह है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पोस्टमार्टम अब एक पुराना प्रोसीजर हो चुका है और हाल के दौर में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब पोस्टमार्टम किए बगैर ही ज्यादातर मौतों की वजह का पता लगाया जा सकता है, जिस वजह से अधिकतर केसेस में इसकी कोई जरूरत ही नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम को अब एक आखिरी विकल्प के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, ना कि पहले। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपके पोस्टमार्टम से जुड़ी सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।